तू करीब आया तो दिल तुझे देख कर तुझे सोच कर। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिजर्व टेक। तो दोस्तों मेरा नाम है रिजर्व इस्लाम और आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिजर्व टेक पे स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों वीडियो के पहले जो कुछ वीडियो दिखाया था इस टाइप की इफेक्ट यानी कि वीडियो के जो इफेक्ट होता है तो आप कैसे लगा सकते हो अपने फ़ोन में। तो जी हाँ दोस्तों आपने वीडियो में कैसे लगा सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से, तो यही मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो किस एप्लीकेशन से आप कैसे एडिटिंग करते हैं सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में इजी और सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहना इन तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ गाइस, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ लोग स्टेटस डालते हैं और फेसबुक के पेज पर कुछ इस टाइप की वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप की वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल और एडिटिंग में जो इफेक्ट देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और सबको पसंद भी आता है। तो आप भी देख सकते हो आसानी से। तो कैसे करोगे ये सब करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज अपन आप लोगों को सिंपल तरीके से सिखाने वाला है। सो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर रखना ताकि आने वाला न्यू हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फटाफट से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो ओके गाइस, फाइनली हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है, उसके बाद आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है इन शॉर्ट, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए और एडिटिंग की इफेक्ट देने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत है जिसका नाम है इन शॉर्ट। तो आपको प्ले स्टोर में इन शॉर्ट लिख के सर्च करना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाल के लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करके रख लिया। आप इसे ओपन करके आपको सारा सिस्टम यानी कि प्रोसेस दिखाऊंगा। तो मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया। तो ओपन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे ये रहा वीडियो का ऑप्शन, देखिए इधर फोटो का, इधर कॉलेज का। तो आपको करना क्या है, अगर वीडियो में इफेक्ट लगाना चाहते हो तो वीडियो पे क्लिक करना होगा, अगर फोटो पे इफेक्ट लगाना चाहते हो तो फोटो पर क्लिक करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वीडियो पे इफेक्ट लगाऊंगा, तो वीडियो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इधर न्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो से आप फोटो की जो वीडियो में आप इफेक्ट लगाना चाहते हो उस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ले लिया, एक बार प्ले करके देखते हैं। सो गाइस आपको बताऊँ तो क्या है ना गाइस, ये जो वीडियो हमने बनाए हैं ऑलरेडी, तो ये वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो जो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं फेसबुक पर आपको देखने को मिल जाता है इस टाइप की वीडियो, तो ये वीडियो मैंने कैसे एडिटिंग किया है तो मेरे चैनल पर जाके जो वीडियो है ये वाला वीडियो आप देख लो एक बार। तो ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो वो वीडियो तो आप देख लोगे आसानी से। और हाँ, इस वीडियो में जो इफेक्ट लगाने वाला है तो वो कैसे आप लगाओगे इफेक्ट, तो इस टाइप की इफेक्ट जो है आपने पहली बार देखा था वीडियो के पहले, तो वो इफेक्ट आप कैसे लगाओगे तो इस एप्लीकेशन से लगा सकते हो। तो आपको करना क्या होगा देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टिकर पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ, मैंने ऑलरेडी रख लिया ये वाला इफेक्ट अपने वीडियो पे, ये वाला इफेक्ट आसानी से देख सकते हो। तो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को आपके पास ये नहीं आएगा, तो आपको करना क्या होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको लेना है। और हाँ गाइस मैं आपको बताऊँ तो इस जो इन शॉर्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे कुछ हिडन पार्ट्स ऑफ एडिटिंग है, मैं आपको सारा सिस्टम दिखाऊंगा, मैंने यानी कि जो हिडन पार्ट्स है मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को काट के मत देखना, पूरा का पूरा देखना, मैं यहाँ पे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसमें वाटर मार्क भी आता है, उस वाटर मार्क को कैसे हटाओगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो वो वाला इफेक्ट लेके दिखाते हैं जो इफेक्ट हमने वहाँ पे लगाया था। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वो वाला इफेक्ट आ गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रख लिया। तो आपको फर्स्ट टाइम जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको भी ये वाला इफेक्ट लेना है डाउनलोड करके, तो मैंने ले लिया, आप इसे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको डाल करके लेना है, मेरी बात सुनो, तो लेना है, लेने की बात ये आ गया है। तो आपको यहाँ पे जो देना चाहते हो देखिए जो मन चाहे आप दे सकते हो, तो ये वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो उसके बाद अगर और भी कुछ देना चाहते हो ये वाला, तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो देने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, एक बार देखिए उस इस टाइप की इफेक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे दिया हमने यार, इधर बहुत कट करके देते हैं, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं चाहिए हमको, मैं कट करके दे रहा हूँ, देखते रहना गाइस, इतना ज़्यादा इफेक्ट तो हमें नहीं चाहिए ना। तो जो इफेक्ट आप देना चाहते हो गाइस इधर आसानी से दे सकते हो, जो मन चाहे आप अपने आसानी से इधर इफेक्ट दे सकते हो। तो क्या है ना, तो इफेक्ट देने की बात ये जो बार है आपको यहाँ पे फुल्ली कर देना है, इधर से फुल कर देना है, जितना साइज का आपका जो वीडियो है उतना कर देना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स हमने इफेक्ट दे दिया, एक बार प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस टाइप की आपको वीडियो बन जाएगा, तो अगर टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखना चाहते हो तो लिख कर दे सकते हो, जैसे कि मेरे स्टेटस चैनल का नाम है ब्रोकन हार्ट, मैं यहाँ पे अपना स्टेटस चैनल वाला के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको यहाँ पे कलर मिल जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट का फ्रंट का जो डिज़ाइन है मिल जाएगा दे सकते हो। तो मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं दिया, जो मैंने ले लिया और उसे छोटा करके इधर लगा दूंगा,
तो आप भी अपना मनपसंद जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और इसे बार को पूरा का पूरा कर देना है, क्योंकि वीडियो की जितना MB का वीडियो है यानी कि साइज, इसको भी इतना ही कर देना है वीडियो की साइज से। तो उसके बाद कुछ नहीं, बस राइट पे क्लिक करके देना है, एक बार प्ले करके देखते हैं कुछ इस टाइप के आपका जो इफेक्ट है हो जाएगा। तो इस जो बार है मैंने लगाया है, आप देख सकते हो आसानी से, आप भी लगा सकते हो। तो हमारा इफेक्ट जो है यहाँ पे हो गया, तो रुको मैं दिखाता हूँ, जो हमने इफेक्ट लगा दिया ना तो उसे भी बढ़ा के देना है उस इफेक्ट को, यानी कि फुल्ली कर देना है, जितना साइज का आपका वीडियो होगा उतना कर देना है इसे। मैं दोनों को बढ़ा देता हूँ इधर, तो हो गया। तो वीडियो फ्रेंड्स हो गया है, अब बात करते हैं इसकी वाटरमार्क की। तो यहाँ पे नीचे आपको देख रहा होगा, इधर देखिए, इधर इनशॉट का एक वाटरमार्क आ गया। तो इसको कैसे हटाना है मैं आपको बताऊँ। तो वाटरमार्क हटाने के लिए आपको एक बार इस पर क्लिक करना है, जो वाटरमार्क लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्री रिमूव, नीचे देखो फ्री रिमूव, यहाँ पे आपको ये फ्री रिमूव यहाँ पे आपको क्लिक करके देना है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। सो फ्री रिमूव करने के बाद जब क्लिक करोगे यहाँ पे, जब क्लिक करोगे यहाँ पे एक एड्स आएगा, छोटा सा एक एड्स आएगा। एड्स को काटना नहीं, पूरा का पूरा एड्स देखना है, तभी आपका जो वाटरमार्क है रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो एड्स आया था तो उसे कंप्लीट हो गया, आप इसे काट करके देना है। और हमारा ये देखो, इधर देखो आप, कोई इनशॉट का कोई ऑप्शन यानी कि वाटरमार्क नहीं आ रहा है। तो हमारा वीडियो ऑलरेडी हो गया, वाटरमार्क ही हट गया। एक बार प्ले करके देखते हैं, उसी स्टेप की हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे म्यूजिक देना चाहते हो तो म्यूजिक पे क्लिक करके कुछ भी एक म्यूजिक आप सिलेक्ट करके दे सकते हो आसानी से। आपके जो म्यूजिक है आप दे सकते हो, माय म्यूजिक, ये सारा म्यूजिक है, मैं दे नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ आपको। अगर म्यूजिक देना चाहते हो तो दे सकते हो इधर से भी, और नहीं तो हमारा वीडियो ऑलरेडी बन गया है तो इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद सेव कैसे करना है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर में सेव का ऑप्शन है, क्लिक करना है, उसके बाद फिर से सेव पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये बहुत कुछ नहीं, बस सिंपल से एडिटिंग यानी कि इफेक्ट कैसे देते हैं वो आपको दिखाया। तो इस स्टेप से हमारा वीडियो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एड्स आया और ख़त्म हो गया, कट करके देना है, ये रहा हमारा वीडियो सेव हो रहा है। तो इस स्टेप से हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको कोई कॉन्फ्यूज, कोई डाउट यानी कि कुछ बोलना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको पूरा सोल्यूशन करके दूंगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन निकाले दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना यार, बेल को प्रेस करना ताकि आने वाला न्यू हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।